Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. Welcome back to my new vlog. कैसे हैं आप सब? सो आज का vlog start हो गया है और घर का काम मैंने शुरू कर दिया है और उठने के बाद और मम्मी किचन में है तो बहुत दिनों के बाद ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं काम कर रही हूँ मम्मी किचन में. मोस्टली क्या होता है, पहले मैं किचन का काम करती थी फिर बाहर आके काम करती थी. और पापा नहा रहे हैं तो आइए उनसे मिलते हैं और देखते हैं क्या चलेगा आज का दिन. जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. क्या बन रहा है? बनाने का तो बहुत झंझट है. बना क्या रहे हो? 20-22 दिन बैठ के खाई. वहाँ तो आप बस देखते ही रहते थे उनको काम करते हुए. अभी तो कोई टेंशन ही नहीं होती थी क्या बनाना है. बस वो पूछते थे ये बना लो भाई, बना लेते. मौज थी आपकी पूरी वहाँ पे ना. कोई काम ही नहीं करना, ना कोई बर्तन मारने, ना कोई रोटी बनानी. सारा कुछ आगे से आगे होता था. टेंशन थी नहीं. अब यहाँ आगे काम करके कैसी फीलिंग आ रही फिर बड़े दिनों बाद? काम तो करना ही, काम करते तो चलो कोई बात नहीं. अब सब्जी की टेंशन होती है मेन. तो आज बन रही है गोभी के पराठे. महंगाई जो कहेंगे तुम, गोभी के पराठे बहुत खाते हैं हमारे घर में. सबके पसंद के गोभी के पराठे हैं भाई. सर्दी तो हमारे गोभी, मूली, पालक. कल परसों तूने पालक के बनाए. हाँ, पालक के बनाए थे. खाते ही पराठे खुश हो के. सर्दी सर्दी हमारे घर में मक्खन और पराठे यही चलते हैं. मैंने बना दिया, आटा गूंद दिया, मक्खन मैंने फ्रिज में रख दिया. अच्छा, मक्खन के बिना खाए नहीं जाते. मक्खन और पराठे मक्खन तो अन्ना भी खानी है जी. मैं खाते ही मक्खन है. मैं अन्ना भी खानी नहीं. वो जो पराठे पे इतना इतना रख के खाते हैं हम. हमारे को मजा ही नहीं आता पराठे का बिना मक्खन के. हमारे को देसी घी में तो अच्छा ही नहीं लगते हमें. सर्दी सर्दी देसी. हाँ, सर्दी सर्दी तो मक्खन ही खाया जाता है देसी की गर्मियों के लिए. लेकिन जो भी है गर्मियों में कम. हाँ वही तो, गर्मियों में सब ना गोभी होती गर्मियों में ढंग की, ना कोई ढंग की कोई सब्जी होती, क्या ही बनेंगे. गोभी ऐसे निचोड़ो ना. देखो इस तरह से आपके पराठे फटेंगे नहीं. कद्दूकस करके कपड़ा लेके मैंने अच्छे से इसको इस तरह से निचोड़ा. पहले दो पैन पानी में भिगोया था. पहले मैंने इसको पानी में भिगोने के बाद कद्दूकस किया. अब कपड़े में अच्छे से मैंने देखो इसको. नहीं ऐसे ही किया था मैंने भी, क्योंकि गोभी में पानी होता है ना फिर रोटी फटती नहीं है. हाँ नहीं सही, मैं भी ऐसे ही कर रही थी पीछे. गोभी भी, पालक भी. इवन पालक में तो पानी रह जाता था पत्तों में. रोटी बिल्कुल नहीं फटेगी ना. फटेगी इसमें डालूंगी हरी मिर्चें. ऐसे ही मैंने बनाए थे वहाँ पे. और डालूंगी धनिया. मस्त बनेंगे गोभी के पराठे. मैं जल्दी काम खत्म करके आती हूँ. बर्तन हो गए. तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ फ्रेंड्स. ऑल ब्लैक और देख सकते हो आज मैंने ये वाला, ये ना टॉप दो तीन ऑप्शन ब्लैक के ना मम्मी ने पैक करके ना बड़े वाले बैग में रखे हुए थे. जब वो आए हैं तभी उन्होंने निकाल के दिए हैं. मैंने तो बैग ही नहीं उठाया क्योंकि बहुत भारी बैग था और अंदर पड़ा था. मुझे तो पता ही नहीं था उसमें कौन से ऑप्शन है. तो मम्मी ने निकाल दिए हैं तो ये आज मैंने पहन लिया. और इधर ये शूज़ हैं मेरे वाले वाइट और मम्मा के हैं जो वो ले पहन कर गए थे वहाँ पे. दोनों गंदे हैं, दोनों मशीन में धुल जाएंगे. और मेरा इधर बैग रेडी है और इधर मम्मी कर रही है ब्रेकफास्ट. अपने हाथ का खाने में कैसा लग रहा है? बहुत दिन तो मासी के हाथ का मजे लिया आपने. एक से एक चीजें खिलाई उन्होंने आपको, कभी कुछ तो कभी कुछ. तो और इधर मम्मी ने कोई पार्सल रेडी किया हुआ भेजने के लिए है. अपने हाथ से इतना मजा नहीं आता. वही चीज मेरे साथ है. मुझे भी अपने हाथ से इतना मजा नहीं आ रहा था, आज मुझे मजा आया. सारे कहते हैं मुंह बड़ा बड़ा छोटा लग रहा है. मेरा मुंह छोटा हो गया? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है. मुझे तो करना है उल्टा. मैं पतली भी लग रही हूँ क्या पहले से? मेरे को लग रहा है थोड़ा सा फर्क. देखते हैं, वेट चेक करूंगी. ऐसे नहीं पता चलता. काम कुम तो वैसे पहले भी इतना ही, बस किचन का ही तो ऐड हुआ था. बाकी तो काम मैं वैसे भी कर रही थी. और चलते हैं गाइज. टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट 12:05 है. पापा आ रहे हैं, छोड़ के आएंगे मुझे. चलते हैं. तो फ्रेंड्स बेटी को नाश्ता करा दिया. पूछते हैं उससे कैसा लगा. बहुत दिन बाद मेरे हाथ का खाया. खुद बना के खाते. ढेर सारा मक्खन. कमजोर होगी मेरे पीछे से. मक्खन नहीं, खुद नहीं खाया. मुंह जरा सा लग रहा है ना. मुंह पहले से मैं आई ना परसों, देखा मैंने, खुद बनाया खुद खाया. माँ के हाथ का खाना नहीं. माँ के माँ के हाथ का प्यार, माँ के हाथ की डांट, माँ के हाथ की क्लास. क्लास लगा दी मम्मी ने हमारी.
हाँ जी तो क्या कहना आपको कैसे लगे गोभी के पराठे? इनको देखो बहुत मजा आया, बहुत मजा ढेर सारा मक्खन और ये मेरा परोठा। देख लो इसके बिना हमारा खाना हजम नहीं होता, ये मेल्ट हो गया। फिर मासी कहेगी सुनीता अन्ना सारा मक्खन रख दे, तो मक्खन बिना हमारा पराठा अधूरा होता है, घी नहीं अच्छा लगता। साथ में रात की दाल, दही मेरे को अच्छी नहीं लगती, मैं खाऊंगी दाल के साथ। हे गाइज गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो बस इतने दिन बाद आई हूँ तो काम इतने पड़े हुए हैं घर के, कपड़े भी इकट्ठे, वैसे तो इन्होंने धो लिए थे पीछे से, फिर भी कपड़े तो रोज के ही होते हैं। बस ये कपड़े धोए हैं और मैंने खूब सारा तेल लगाया सिर पे, सिर धोया मैंने, बस अब नहा के आई हूँ, खाना बनाऊंगी। बेटी तो चली गई ऑफिस और इनके लिए बनाना है खाना, मैंने कहा पहले नहा लेती हूँ, थोड़े से कपड़े धो लेती हूँ। मशीन मैंने नहीं लगाई, कल लगाऊंगी, हाथ वाले ही कपड़े थे, बस धो के अभी अंदर सुखाऊंगी, फिर बाहर धूप में रख के आना पड़ेगा स्टैंड, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती इधर, तो पीछे तो उधर रख के आऊंगी, सूख जाएंगे। बस खाना वाना बनाते हैं फिर चलते हैं सत्संग। और ठंड हो गई है पता ही है आपको, मैंने सर्दियों के सूट निकाल लिए हैं, बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है ये वाला। तो बस जैसे जैसे जो भी रूटीन होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस देखो कहाँ घुस के बैठी हुई है। हाँ जी गुड मॉर्निंग, आज मेरे बेड में बंद कर दिया है हमें, बेड में क्या सिंगल हाउस है। तो फ्रेंड्स ये दिवाली पे हमने नया बेड लिया था, तो बस दिवाली थी, फिर इधर जागरण था, फिर मैं राजस्थान चली गई जैसे कि आपको पता ही है, तो बेड अंदर से क्लीन नहीं किया था, अभी ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब आके मैंने कहा चलो इसको अपना साफ कर दिया है और इसके अंदर पेपर बिछा दिया, अब इसमें जो कपड़े हैं ना नहीं डलते डेली, तो वो इसके अंदर रख देती हूँ। नहीं अब मेरे आते फटाफट फटाफट कर रही है, पीछे से क्यों नहीं की बेड का आपको पता तो है, अकेले क्या क्या मैनेज करूं, नहीं टाइम मिला मेरे को। आते ही देख लो सारे, देखो कितने खिचड़ी मची, सिर्फ इसको ना ऑफिस में ब्लैक डालना होता है, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा जो नहीं डालने के वो अब बेड में रख दो, आपके जाने के बाद एक भी छुट्टी नहीं ली, पूछ लो पापा से, पूछो मैं एक भी दिन घर पे नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब रख देते हैं, बहुत ही गंदा लग रहा है, मैंने कहा चलो आई हूँ तो अब धीरे धीरे करते हैं क्लीनिंग। इधर रखे हुए हैं मेरे कपड़े, ये बैग रखा हुआ है, कुछ तो रात अपना इस पे ही रख दिए थे अभी रात को, तो फिर अब दिन में सारी सेटिंग करूंगी। पति देव से हाँ जी दिल लग गया था, दिल लग गया, दिल लग गया। अच्छा क्या क्या किया फिर पीछे से? क्या बर्तन साफ किए? हाँ बर्तन साफ करवा लिए। और क्या किया फिर? और इधर मैंने अपनी किचन संभाल ली है, इधर बन रही है आलू गोभी। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ बेडशीट लेने के लिए वुलन में, तो देखती हूँ ये दिखा रहे हैं, एक ये वाला है एक ये वाला। लाइट कलर आप वो जो चादर ना अच्छी लगे, एक ये वाली है, अच्छा इतने गारंटी, ये इलास्टिक वाली अच्छी लगे, चारों तरफ से गद्दे में साइडों पे दब जाता है। तो गाइस मैं आई थी बेडशीट लेने, तो सामान जो दुकानदार बाहर लगाते हैं ना, तो सरकार ने पता नहीं क्या आते हैं और उठा के ले जाते हैं, बेचारों ने फटाफट से अंदर फेंका उठा उठा के, फिर भी 500 रुपए की पर्ची काट दी और ट्रक साथ में ले के चलते हैं, जो मिलता है वो उठा के ले जाते हैं। मैडम ये आपकी है? हाँ जी हाँ जी, बेड कवर भी ले रही थी फिर वो बाहर चले गए, मैं कहा ये अच्छी इन्होंने धांधलेबाजी बनाई हुई है, मैं कहा ये तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। हाँ सबके साथ इस गली में जाके देखो बाहर सबके, तो जो हाथ लगा उठा के ले गए बेचारों ने, अंदर तो बहुत फेंका, कितने बंदे लग के उन्होंने फटाफट सामान फेंका, फिर भी तख्त पोश इनका उठा ही लिया। तो फ्रेंड शॉपिंग हमने कर ली है, बेडशीट ले लिए, गद्दे के कवर ले लिए,
साहब का मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो ये गोलगप्पे आगे आए हैं मेवन स्वीट्स पे। इसके भी वैसे तो हम कालरा पे जाते हैं, लेकिन मार्केट में थे तो हम इधर एवन पे आ गए थे, तो बस खाते हैं फटाफट से चलते हैं घर। इधर बन रही है टिक्की और इधर रखी है मिठाई, तो कमेंट करके बताना आपको कौन सी मिठाई पसंद है। चॉकलेट वाली बर्फी सब तरह। मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बाहर सामान रखा होता था सारे उठा उठा के ले गए। तो मार्केट में देखो आपको बिल्कुल भी सामान नहीं दिख रहा होगा, नगर पालिका वाले आए हैं सब उठा उठा के ले गए। बेडशीट वाली दुकान पे मैंने आपको दिखाया था, एकदम बेडशीट दिखा रहे थे, पूरी भगदड़ मच गई, फटाफट से उन्होंने सामान अंदर फेंका, जो उनके हाथ आया वो उठा के ले गए। मार्केट से मैं आ ही चुकी हूँ, तो मैं ये लेके आई हूँ बेड कवर, यानी के बेड के गद्दे के कवर। तो ये चेन वाले नए गद्दे हैं, फिर आपको पता है कि कवर ना हो ना तो गद्दे मैले मैले हो जाते हैं, तो मैंने कहा कवर चढ़ा देंगे ना, तो अपना कवर जब मर्जी उतार के धो दे। तो ये वाले कवर लेके आई हूँ मैं, चेक में कॉटन में है, जिप लगी हुई है, अपना गारंटी भी दी है उसने, कह रहा जीप वगैरह ख़राब हो जाए या कुछ है तो हम चेंज करके देंगे। तो ये वाले लिए हैं, और लिए मैंने एक वूलन में बेडशीट, गरम बेडशीट। सारा विंटर कलेक्शन आया हुआ है मार्केट में, जो सभी शॉप पे इतना आया हुआ है ना विंटर कलेक्शन, तो बहुत ही ज़्यादा, और एक से एक आया हुआ है बेडशीट, एक से एक डिज़ाइन की आई हुई है, लेकिन मुझे तो आई है ये वाली पसंद। ये लेके आई हूँ इसके लास्टिक वाली, मैंने बताया ही था आपको कि लास्टिक वाली ली है, और ये वाली है। वीडियो में पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी, वैसे तो ये बहुत सुंदर है, डिजाइन भी और कलर बहुत सुंदर है। पहले मेरे पास ना रेड है, तो ये वाली ली है मैंने। तो ये फ्रेंड्स कमेंट करके बताना ये आपको कैसी लगी, मुझे तो ये बहुत सुंदर लगी थी। और ये है इसके पिल्लो कवर, पूरे फुल साइज में है, इस पर भी जिप लगी हुई है, और फिर मैं आपको बिछा के फिर दिखाऊंगी कि बिछी हुई है कैसे लगती है। तो बस यही लिया साहब ने, गोलगप्पे वगैरह खाए थोड़े से, हमने वहाँ पे देख रहे थे नगर पालिका वाले आए हुए थे, सामान उठा उठा के लेके जा रहे थे, तो नहीं दिया जिन्होंने, उनसे उनका जुर्माना काट दिया ना। तो ये मशीन मंगवाई थी, तो अपना इधर चार्जिंग चार्ज करनी पड़ती है, चार्ज मैंने इसे कर लिया, पिछले साल की रखी हुई थी ना, तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, जैसे कपड़ों पर हुआ इस तरह से कवर है ये, तो कवर मैंने इसका उतार दिया और चार्ज ये हो गया, और ये बटन लगा हुआ है, तो ऐसे देखो ये आवाज आएगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा, तो आपको कोल्ड है या मतलब खांसी जुखाम जैसे हो जाता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, और रात को सोते टाइम इसको पीना है। और मैं बताती हूँ मैं कैसे कैसे बनाऊँगी। डालूँगी 2 चम्मच बेसन, बस ज़्यादा नहीं डालूँगी, 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 चम्मच बेसन बहुत है। और इसे अच्छे से हम भून लेते हैं बेसन को सिम गैस पर। तो बेसन हमारा बस थोड़ा सा और कसर रह गई है, वैसे तो भुनी गया, गोल्डन ब्राउन हमने कर लेना है सिम गैस पे। और इधर दिखा देती हूँ मैं क्या डालूँगी हलवे में, मैं डालूँगी चीनी नहीं डालूँगी, मैं चीनी की जगह डालूँगी, मैंने 4 खजूर ले लिया, इसे धो के मैंने बारीक बारीक काट लिया, और 2 लिए मैंने अंजीर, इसे भी मैंने वॉश करके अच्छे से और बारीक बारीक काट लिया, इस तरह से आती हैं अंजीर, ये अंजीर है, इन्हें मैंने धो के अच्छे से और मैंने काट लिया, क्योंकि मैं इसमें चीनी नहीं डालने वाली, इसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। तो बस बेसन हमारा ऑलमोस्ट हो गया गोल्डन ब्राउन, अब मैं इसमें क्या डालूँगी, इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, इसमें मैं डालूँगी दूध, तो 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 कप ही मैं ये दूध ले लूँगी, इसे हिलाते रहेंगे, 1 कप मैंने डाल दिया, 1 कप मैं और डाल दूँगी, और जैसे मैंने बताया चीनी नहीं डालूंगी मैं, चीनी की जगह मैंने खजूर और अंजीर डालनी है ये,
और इसे बहुत ही एनर्जी और बहुत ही अच्छा कोल्ड के लिए बहुत ही बढ़िया है, और रात को सोते टाइम इसे पिए तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अब इसको बॉयल आने तक हिलाते हैं, और थोड़े से मैंने ये बादाम भी इसमें डाल दूँगी, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से हम बॉयल कर लेते हैं। तो हमारा बेसन का हलवा बन गया है, तो इसे हमने पतला ही रखना है, बस 2 चम्मच ही बेसन हमने डाले थे, तो ज़्यादा हमने इसे गाढ़ा नहीं करना। तो बस अब मैं गैस कर देती हूँ बंद, और इसे डाल लेती हूँ मैं कप में। तो हलवा हो गया है हमारा तैयार, इसे मैंने कप में डाल दिया है, और गर्मा गर्म इसे पी लेते हैं।